சர்வாங்சாட்டி போன்னு ஃபேஷன் மால் சிற்ப வயோகட்டத்தில் அபவாதத்மக் ஸ்ரேனி விஸ்திருத் வெரைட்டி ஸ்ரீ வரசித்தி ஷாப்பிங் மால் சினி தாரகா ரிங்கு ராஜ் குரு சேவத் 18 அக்டோபர் ரோஜி சுபாரம் ஸ்ரீ வரசித்தி ஷாப்பிங் மால் அப்பல்யா சந்திரபூர் மதே ஸ்ரீ வரசித்தி ஷாப்பிங் மால் வெட்டிங் கலெக்ஷன்ஸ் பிரைடல் லெஹெங்காஸ் சாரீஸ் சுடிதார் ட்ரெஸ் மெட்டீரியல்ஸ் வெஸ்டர்ன் வேர் கிட்ஸ் வேர் மென்ஸ் வேர் 18 अक्टूबर रोजी महाशुभारंभ श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल कस्तूरबा रोड चंद्रपुर महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार सत्य परमो धर्म। शिवसेना के पूर्व जिला अध्यक्ष और गोंदिया भंडारा जिला संपर्क प्रमुख सतीश हड्डे को उद्धव बाला साहब ठाकरे की ओर से शिवसेना के पूर्वी विदर्भ का सह संगठक नियुक्त किया गया है, जिससे पूर्व विदर्भ के सभी पुराने और ठाकरे वफादार शिव सैनिकों में और पूर्व पदाधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शिंदे सेना विद्रोह और मौजूदा पदाधिकारियों की निष्क्रियता से पूर्वी विदर्भ के कई हिस्सों में ठाकरे सेना पूरी तरह से समाप्ति की कगार पर थी, मगर हड्डे की नियुक्ति से वफादार शिव सैनिकों के लिए पार्टी में अच्छे दिन देखे जा रहे हैं। हड्डे दो बार नागपुर जिले के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में नागपुर नगर निगम में शिवसेना पार्षदों की संख्या आज की तुलना में 3 गुना थी। नागपुर जिला परिषद में भी कई सदस्य थे। हड्डे को कट्टर और तरफदार शिव सैनिक के रूप में जाना जाता है। शिवसेना के मौजूदा पदाधिकारियों के कारण इन्होंने खुद को पार्टी संगठन के काम से अलग कर लिया था, लेकिन वो मुंबई में शिवसेना नेताओं से लगातार संपर्क में थे। इस बीच शिंदे सेना के बगावत के बाद भी वे पूरी वफादारी के साथ उद्धव ठाकरे के साथ रहे। इस दौरान पार्टी ने विदर्भ से पदाधिकारियों को मुंबई में आयोजित पदाधिकारियों की बैठक में ले जाने की जिम्मेदारी हड्डे को सौंपी। शिंदे सेना की बगावत और वर्तमान पदाधिकारियों की निष्क्रियता के बाद अब वफादार शिव सैनिकों को संगठन में शामिल कर उन्हें फिर से सक्रिय किया जा रहा है, इसलिए कट्टर शिव सैनिकों ने हड्डे की नियुक्ति का स्वागत किया है। वहीं निष्क्रिय और स्वयं कल्याण में लगे पदाधिकारियों में भय का वातावरण फैल गया है। पूर्व विदर्भ ठाकरे शिवसेना के लिए हर दम से एक मजबूत किला माना जाता था। अब ये देखना होगा कि सतीश हड्डे किस तरह से पूर्व विदर्भ में ठाकरे सेना के पुराने स्वर्णिम दिन वापस लाते हैं। कल दिनांक 6 जनवरी 2023 को गढ़चिरौली कांग्रेस पार्टी की ओर से चंद्रपुर जिलाधिकारी कार्यालय पर घंटा नाद आंदोलन किया गया। इसके बाद जिलाधिकारी को निवेदन देते वक्त चंद्रपुर के कांग्रेस सांसद बालू धानोरकर और वरुणा भद्रावती विधायिका प्रतिभा धानोरकर गढ़चिरौली जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र ब्रह्मणवाड़ा और आंदोलनकारियों के साथ जिलाधिकारी को मिले। इस दौरान सांसद धानोरकर ने मांग की है कि जंगली जानवरों के हमले में यदि कोई व्यक्ति मरता है तो उसे वन विभाग की ओर से उसके परिवार को 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। उसी तरह सांसद बालू धानोरकर ने जंगली जानवर के हमले से आई स्थायी अपंगता की स्थिति में भी 20 लाख रुपए देने की मांग की। इसी प्रकार यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी जंगली जानवर के हमले में घायल हो जाता है तो उसका बड़े अस्पताल में निशुल्क उपचार किया जाता है। इसी तरह उन्होंने किसानों और आम नागरिकों के साथ भी ऐसा ही इलाज करने की मांग की है। राष्ट्रीय कांग्रेस गढ़चिरौली यांच्या माध्यमातून आदरणीय जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे आणि युवाचे जिल्हाध्यक्ष सतीशजी विदाथे यांच्या नेतृत्वामध्ये आज चंद्रपूर येथे वनमंत्र्याच्या विरोधामध्ये एक आंदोलन आयोजित करण्यात आलं, एक धरणे आंदोलन। त्या आंदोलनामध्ये या जिल्ह्याचा खासदार या नात्यानं आणि या जिल्ह्यातील आमदार या नात्यानं प्रतिभा धानोरकर आणि मी स्वतः खासदार पाळ धानोरकर आम्ही स्वतः उपस्थित होतो। आदरणीय या जिल्ह्याचे कलेक्टर आणि जिल्हाधिकारी आणि वनमंत्र्याचे OSD इंगोले साहेब यांच्यासोबत चर्चा झाली। त्या चर्चेमध्ये विविध समस्या अशा आहे की त्या समस्या धोरणात्मक आहे, त्याच्यामध्ये आमूलाग्र बदल करणं फार महत्त्वाचं आहे। आपण स्वतः तिथे होता ते बघितलं, चर्चेच्या मला वाटते फुटेज आपल्याकडे असेलच। त्यामध्ये एक प्रामुख्याने जी मागणी आहे की जर एखाद्याला कायम अपंगत्व येत असेल अशा व्यक्तीला ज्या पद्धतीने मृत्यूमुखी पडते त्याला 20 लाख मिळते, त्याच पद्धतीने याही व्यक्तीला 20 लाख रुपये मदत देण्यात यावी, कारण त्याच्या शरीराचा कुठलाही उपयोग होत नाही, हालचाल होत नाही, तो कुठल्याही पद्धतीने आमदनी कमविण्यासाठी तो यथायोग्य शरीरयष्टीने राहत नसल्यामुळे ही एक धोरणात्मक विषय आहे। दुसरा, ज्या पद्धतीने एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याला वाघाच्या हल्ल्यात किंवा वन्य प्राण्याच्या हल्ल्यामध्ये जर जखमी झाला तर त्याला पॅनल बोर्ड असलेल्या हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केल्या जाते आणि जो काही खर्च त्याला मिळतो त्या पद्धतीचाच खर्च हा शेतकरी बांधव असो किंवा मजूर असो
ज्याला वन्य प्राण्याचा हल्ला होत असेल तर अशा वेळेस त्याला तिथे योग्य ती त्याच्यावर उपचार झाला पाहिजे. त्याला 20,000 तात्पुरती मदत किंवा अतिजखमी झाल्यामुळे त्याला 1,25,000 मदत, ही अशा पद्धतीची मदत न देता कायमस्वरूपी त्याच्यावरती एखादी त्याच्यावरती उपाययोजना म्हणून एखादी समिती नेमून एखादं पॅनल तयार करून त्या जखमी व्यक्तीवरती उपाय होणं हे फार महत्त्वाचं आहे. नाही जर त्याला ते 20,000 1,25,000 अशा पद्धतीच्या या संदर्भामध्ये त्यांना विशेष सूचना केल्या की शासनाच्या दरबारी या ज्या तुमच्या पूर्वीच्या ज्या संकल्पना होत्या याच्यामध्ये बदल करणं फार महत्त्वाचं आहे. त्याला जसं शासकीय पोलीस प्रशासनात असेल किंवा फॉरेस्टचा व्यक्ती असेल किंवा WCL आपण पाहतो की पॅनेलच्या हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करून पूर्णपणे बरा होत असेल तोपर्यंत त्याला ट्रीटमेंट मिळणं ही फार महत्त्वाची आहे. ही एक रास्त मागणी होती. याच्यानंतर ज्या काही जमिनी आहे शासनाच्या म्हणजे वनजमिनी आहे त्या वनजमिनीच्या संदर्भामध्ये 1979 पासून आत्तापर्यंत लोकांकडे ते जमिनी त्यांच्या अंडरमध्ये आहे पण त्याच्यावरती अजूनही फॉरेस्टचा अधिकार आहे, वनाचा अधिकार आहे. त्याच्यामुळे ज्यांना पंतप्रधान आवास योजनेच्या अंतर्गत शेती मिळाली आवास योजनेअंतर्गत घरकुल मिळालं अशा लोकांनासुद्धा तिथे घरकुलाचे पट्टे